नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक पे। आज हम बात करेंगे 1 नवंबर 2020 को शाम का जो मैच होने वाला है, मैच नंबर 54। ये होगा KKR वर्सेस RR, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और ये मैच होगा दुबई में। तो इस मैच में कौन सी टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और साथ ही साथ कौन से प्लेयर्स हैं जो इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें डेट की, यानी 1 नवंबर 2020 की डेट है, तो अगर टोटल देख करके चले तो हमें मिल रहा है इसका 1। अब यहीं पे अगर हम KKR के कप्तान ओयन मोर्गन की बात करें, मोर्गन की, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 सितंबर 1986 का, जो कि हमें टोटल मिल रहा है 7। अब यहीं पे इनकी परफॉर्मेंस की बात करें कि ये परफॉर्म कैसा कर सकते हैं इस मैच में, तो देखिए इनकी परफॉर्मेंस जो है कुछ खास नज़र नहीं आएगी इस मैच में। जो इनका प्रदर्शन रहेगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको लो देखने को मिल सकता है, और जो इनके फैंस इनसे एक स्कोर का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे वो ये सही तरह से अचीव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में रह करके ये परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से इनका विकेट गिरने की वजह से ये आउट हो सकते हैं, यानी ये जो होंगे ये रन आउट होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें KKR की टीम की परफॉर्मेंस की, तो टीम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक निराशाजनक रह सकता है। स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा खेलेंगे, मगर स्टार्टिंग में ही इनके 10 ओवर के अंदर अंदर जो है 2 या 3 विकेट्स गिर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो लो हो जाएगा। मगर उसके बाद जो बाकी के 10 ओवर होंगे उसमें ये अपना परफॉर्मेंस जो है बेहतर दिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें ये कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाएंगे इस मैच को लेकर के, मगर फिर भी ये अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने का प्रयास करेंगे लास्ट के 5 ओवर में। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्लेयर्स की, ये कौन से प्लेयर्स हैं KKR से जो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो कुलदीप यादव हैं, राहुल त्रिपाठी हैं और पैट क्यूमिन हैं। ये जो है प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में दिखा सकते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें RR की, यानी राजस्थान रॉयल्स की, क्वालिफाइंग में पहुंचना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैच भी विन करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा नहीं दिखा है। हालांकि लास्ट मैच उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जीता, और इसके साथ साथ अगर इनकी इस मैच की बात करें, यानी मैच नंबर 54 की, तो राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन हैं स्टीव स्मिथ हैं। अब इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जून 1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ बन रही है। इनका भी टोटल देख करके चलें तो 7 ही बन रहा है, यानी दोनों कप्तानों का अगर डेस्टिनी नंबर देख करके चलें तो 7 ही बन रहा है। इसके साथ साथ अगर इनका परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो परफॉर्मेंस स्टीव स्मिथ काफ़ी हद तक अच्छा दे सकते हैं, स्कोर अच्छे बना सकते हैं, और एक हद तक अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, अपना परफॉर्मेंस दिखाने का ये अच्छा प्रयास करेंगे और इस मैच को अपनी पूरी तरह से जीतने का प्रयास करेंगे। वहीं पर अगर हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो प्रदर्शन काफ़ी हद तक खास रहेगा इनका, अच्छा रहेगा, और इसके साथ साथ अलग अलग योजनाओं से इस मैच को ये जीतने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम प्लेयर्स की बात करें कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो जयदेव उदयकांत हैं, रॉबिन उत्तपा हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, श्रेयास गोपाल हैं। ये जो प्लेयर्स हैं राजस्थान रॉयल्स से, ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा। तो देखिए बैटिंग करने के चांसेस सबसे पहले हमें KKR के दिख रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है बैटिंग पहले कर सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि मैच बहुत अब इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि अब क्वालिफाइंग सीरीज शुरू हो गई है, जो मैच को क्वालिफाई करना इन टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो है ही है। अगर हम देखें कि इस मैच में प्रदर्शन के अनुसार, क्योंकि KKR का प्रदर्शन थोड़ा कम दिख रहा है और राजस्थान रॉयल्स का अच्छा दिख रहा है, मगर उसके बावजूद भी अगर विनिंग टीम हम देखें जनरल प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग, अगर कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी देख करके चलें, तो KKR ही दिख रही है। यानी इस मैच को कहीं ना कहीं से कैसे भी करके KKR जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है, वो निकाल करके लेके जा सकती है, अपनी झोली में डाल सकती है। तो कहीं ना कहीं KKR इस मैच को विन कर सकती है। और भी ऐसी जनरल प्रेडिक्शंस के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।